हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू DIY क्राफ्ट विद सिल्विया चैनल। पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि फेस्टिवल सीजन चल रहा है और मेरे पास नए कुछ पीसेस रखे हुए थे, कुछ ब्लाउज के पीसेस हैं, तो मैं आज इनका इस्तेमाल करके बनाने वाली हूँ कुशन और कुशन कवर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कुशन और इसके लिए मैंने ये 2 पीसेस कट करके रख लिए हैं। अभी हमें इनका मेजरमेंट करना है, तो 16x16 इंच लेंथ और विड्थ लेते हुए हमें इस तरह के 2 पीसेस कट कर लेने हैं। अभी हमें इसके तीनों साइड सीधे सीधे सिलाई लगानी है और फोर्थ वाली साइड हमें हाफ हाफ में सिलाई लगानी है ताकि हम इसको बाद में ओपन कर सके। तो सिलाई हमारी लग चुकी है, अभी हमें इसको ओपन करना है। तो पहले हम कॉर्नर्स को कट कर लेते हैं ताकि इसके कॉर्नर्स हैं वो अच्छे से सीधे हो जाएं। तो अभी हमें इसको ओपन कर लेना है। तो अभी हमने इसको कर लिया है ओपन और ओपन साइड से अभी हमें इसमें कॉटन फिल करनी है। तो पुराने तकिए की मेरे पास कॉटन रखी हुई थी वो मैं इसमें फिल करूंगी। आपके पास न्यू कॉटन है, आप न्यू कॉटन फिल कर सकते हैं। तो कुशन को हमने अच्छे से फिल कर लिया है और इस तरह से हम इसको दबा देंगे ताकि हमारी जो कॉटन है वो सेट हो जाए। अभी ओपन साइड है, इसको हम सुई और धागे की मदद से सिलाई लगा के फिनिश कर लेते हैं। तो सिलाई हमारी लग चुकी है, अभी हम धागे को कट कर देंगे। तो सिलाई लगा के हमने कुशन को फिनिश कर लिया है और हमारा जो कुशन है वो भी बनके तैयार हो गया है। तो अभी हमें इसका कवर बनाना है, तो चलिए कवर बनाते हैं। तो इसका कवर बनाने के लिए ये पीस हमने लिया है, इसको इस तरह से हम खोल लेंगे। अभी हमें इसका मेजरमेंट करना है, तो 16x16 इंच लेंथ और विड्थ लेते हुए हमें एक पीस कट करना है। तो 16 इंच हमें इसकी लेंथ लेनी है और 16 इंच ही हमें इसकी विड्थ लेनी है। इस तरह से हमें पीस कट करना है। तो निशान लगाने के बाद अभी हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो 16x16 इंच का ये पीस हमने कट कर लिया है। तो अभी हमें ये वाला पीस लेना है और इसकी विड्थ लेंगे हम 16 इंच। 16 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो ये जो हमारा पीस है इसकी टोटल लेंथ और विड्थ होगी 16 इंच और लेंथ होगी इसकी 23 इंच। तो इस तरह से हमें पीस कट कर लेना है। तो अभी हमें ऊपर से लेना है 10 इंच और 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो निशान लगाने के बाद अभी हमें सेंटर से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमारे ये 2 पीस रेडी हो गए हैं। अभी हमें इसमें सिलाई लगानी है, तो इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और सीधी इस पे सिलाई लगा लेंगे। दोनों ही पीसेस को अंदर की साइड फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। तो ये दोनों ही पीसेस में हमने अच्छे से सिलाई लगा ली है। तो अभी हमारा जो ये मेन पीस है इसमें हमें इन 2 पीसेस को अटैच करना है। तो इस तरह से सीधी साइड अंदर की साइड रखते हुए दोनों पीसेस को हम इसमें अटैच कर लेंगे। तो दोनों पीसेस को अच्छे से रखते हुए हमें सीधे सीधे इस तरह से इसमें सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेना है।
तो हमारा जो कुशन कवर है उसमें हमने चारों तरफ सिलाई लगा ली है। तो हमारा जो कुशन कवर है वो बनके तैयार हो गया है। अभी हमें कॉर्नर्स की कटिंग कर लेनी है। कॉर्नर्स की कटिंग करने से इसके जो कॉर्नर्स है ना वो अच्छे से सीधे हो जाते हैं, इसलिए हमें कॉर्नर्स की कटिंग करनी चाहिए। तो इस तरह से अभी हमें इसको ओपन कर लेना है। तो कुशन कवर को हमने सीधा कर लिया है और कॉर्नर्स को भी अच्छे से हमने सीधा कर लिया है। तो हमारा जो कुशन कवर है वो बनके तैयार हो गया है। अभी हम इसमें कुशन को फिल कर लेंगे। तो कुशन को हमने इसमें फिल कर लिया है और फाइनल लुक आप देख सकते हैं, हमारा कुशन और कुशन कवर दोनों ही बनके तैयार हो गए हैं। तो बस इसी तरह से मैंने और भी कुशन बना के तैयार कर लिए हैं। तो इस तरह से कपड़ों के बचे हुए पीसेस से मैंने ये कुशन बना के तैयार कर लिए हैं और बची हुई लेस से मैंने ये कुशन भी तैयार कर लिया है। इसमें चारों तरफ मैंने लेस लगा ली है और बीच में सीधे सीधे सिलाई लगाई है। तो इस तरह से हम कुशन घर में तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके पास भी बचे हुए कपड़ों के पीस रखे हैं या फिर ब्लाउज पीस रखे हैं तो आप भी इस तरह से घर में कुशन और कुशन कवर दोनों बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग सी वीडियोज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंजॉय दिस वीडियो, बाय बाय फ्रेंड्स।